नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हमारे पास है दैट इज वेरिएशन ऑफ के लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू विथ डाइल्यूशन। के क्या है बेटा? के इज कंडक्टिविटी, लैम्डा एम क्या है मोलर कंडक्टेंस, एंड लैम्डा ई क्यू क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यानी हाउ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वेरीज विथ डाइल्यूशन। ध्यान देना, इसमें टर्म जो हमारे पास आती है ना डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन सिंपली मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स डाइल्यूशन। जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे ना, किसी भी एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे ना, सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब होगा कि वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, देयरफॉर कंसंट्रेशन जो होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। ध्यान देना, अगर ये कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमारे पास है, ये चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम क्या कर देंगे, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर यहां पर मैं लेता हूं 1 ml, ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में बेटा करंट कैरियर्स होंगे, कैटायन्स भी प्रेजेंट होंगे और एनायन्स भी प्रेजेंट होंगे। अब इसमें से, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से मैं 1 ml बाहर निकाल देता हूं, यानी यू सीरस्ट ना, ये हमारे पास बेटा कितना है 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। या तो ये बेटा हमारे पास 1 ml हम बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। यानी कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, यू कॉल दैट एज कंडक्टिविटी। अब इस वाले पार्ट, यूसी पार्ट ना, इस वाले पार्ट में कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी, कैटायन्स की वजह से और एनायन्स की वजह से, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम सिंपली विसर्ग योर सीएन पार्ट इज द कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। और कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी, ड्यू टू कैटायन्स एंड ड्यू टू एनायन्स। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम यहां से बेटा सॉल्वेंट ऐड कर लेंगे। जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे ना, सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब हुआ कि वॉल्यूम विल इंक्रीज, यानी वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज तो कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। अब इसमें ज्यादा आयन्स आ जाएंगे कि कम, इसमें अब कम आयन्स आ जाएंगे, यानी इसकी जो इस वाले पार्ट की जो कंडक्टेंस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। किस वाले पार्ट की, ये वाला पार्ट जो मैंने यहां पर बनाया, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब हुआ कि वॉल्यूम विल इंक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना, अब इस स्मॉल यूनिट वॉल्यूम में करंट कैरियर्स क्या होंगे, कम, यानी इसमें अब कम ही आयन प्रेजेंट होंगे, बिकॉज द कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। तो इस वाले पार्ट की कंडक्टेंस क्या होगी, इस वाले पार्ट की कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, जब हम क्या ऐड करेंगे, सॉल्वेंट, यानी जब हम डाइल्यूशन कर देंगे। यानी कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, लिख लेना वहां पर बेटा, के डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, के डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ आयन्स, बिकॉज द नंबर ऑफ आयन्स इन ए यूनिट वॉल्यूम, इन ए यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मतलब हुआ या तो बेटा 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, बिकॉज द नंबर ऑफ आयन्स इन ए यूनिट वॉल्यूम 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीज। ये हुआ किसकी बात बेटा, कंडक्टिविटी की बात, यानी ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। यानी हाउ कंडक्टिविटी वेरीज विद डाइल्यूशन, यू सिंपली से कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, क्योंकि इसमें बेटा करंट कैरियर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस वाले पार्ट की कंडक्टेंस कम हो जाती है, इस वाले पार्ट की कंडक्टेंस कम होगी, इस वाले पार्ट की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन। अब दूसरा उसके बाद है कौन कौन सा बेटा, मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दोनों, चाहे मोलर कंडक्टेंस की हम बात करें या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की हम बात करेंगे, दोनों बेटा क्या होते हैं, दे इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। यानी लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान देना, अब पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है। ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दें, यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हमारे पास। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 1 होता है, यानी दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन की वजह से एक ही चीज होता है कि कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी आयन जो होते हैं ना, आयन दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनमें बेटा जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है 1, यानी दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो हम क्या कर लेते हैं, जब हम डाइल्यूशन कर देंगे, डाइल्यूशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, कंसंट्रेशन वहां पर बेटा डिक्रीज हो जाएगा, यानी आयन जो होंगे ना आयन दूर दूर चले जाएंगे। जब आयन दूर दूर चले जाएंगे, कैन यू से आयन आयन इंट्रैक्शन कम हो जाएगी, आयन आयन इंट्रैक्शन डिक्रीजेस, आयन आयन इंट्रैक्शन डिक्रीजेस। जब आयन आयन इंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर आयन आयन इंट्रैक्शन इतनी कम गई तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, कौन सी कंडक्टेंस, लैम्डा एम एंड लैम्डा ई को इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस, इन केस ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बेटा अगर हम डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है, डाइल्यूशन की वजह से वहां पर आयन आयन इंट्रैक्शन कम होती है, जब आयन आयन इंट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इट इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या कर लेंगे, डाइल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर कौन सा बेटा ला अप्लाई होता है, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन ला, That is alpha is equal to under root of k equilibrium divided by c। जब हम dilution कर देते हैं, dilution का मतलब हुआ कि concentration, dilution means addition of solvent, यानी volume of the solution increases, concentration decreases, concentration is the कम गैस, alpha क्या हो जाएगा v, in case of weak electrolytes, यानी alpha is the degree of dissociation increases, यानी weak electrolytes में जब हम dilution कर देते हैं, degree of dissociation increases। यानी इनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और दूसरा पॉइंट बेटा, इनमें आयन आयन इंट्रैक्शन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, और साइमल्टेनियसली इनमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट जो है, इनमें आयन आयन इंट्रैक्शन जो होती है, आयन आयन इंट्रैक्शन इट ऑल्सो डिक्रीजेस, आयन आयन इंट्रैक्शन डिक्रीजेस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने का मतलब है कि ज्यादा आयन, और दूसरा बेटा आयन आयन इंट्रैक्शन भी डिक्रीज होती है, यानी आयन आयन इंट्रैक्शन इज द कम गैस, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस विल इंक्रीज, कौन सी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, देयरफॉर लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू इंक्रीज। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कंडक्टेंस होती है ना वो इंक्रीज होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू डिक्रीज इन आयन आयन इंट्रैक्शन। और इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होते हैं इट इंक्रीजेस, किसकी वजह से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड साइमल्टेनियसली आयन आयन इंट्रैक्शन डिक्रीजेस, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ध्यान देना, नेक्स्ट जो है दैट इज प्लॉट्स ऑफ
लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी, यानी हाउ मोलर कंडक्टेंस वेरीज विद कंसंट्रेशन, इसी का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट ऑफ लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी। हम दो के लिए बेटा प्लॉट करेंगे, एक तो हम प्लॉट करेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, दूसरा हम प्लॉट करेंगे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। पहले हम देख लेंगे केस बेटा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कंसंट्रेशन जब हम डिक्रीज कर देंगे मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ आयोनस रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद डाइल्यूशन, रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयोनस रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ डाइल्यूशन, यानी नंबर ऑफ आयोनस विल नॉट चेंज, क्योंकि उनमें बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वन होता है। किन इलेक्ट्रोलाइट्स में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बेटा यहां से बेटा लैम्डा एम प्लॉट कर लेता हूं, यानी मोलर कंडक्टेंस, और यहां से बेटा अंडर रूट ऑफ सी प्लॉट कर लेता हूं, अंडर रूट ऑफ सी दैट इज कंसंट्रेशन, यहां पर बेटा मोलर कंडक्टेंस का कितना वैल्यू है, जीरो। अगर हम कंसंट्रेशन जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी जब हम कंसंट्रेशन कम कर देंगे, यू थिंक कंसंट्रेशन पर क्यू कुल वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज, मोलर कंडक्टेंस आ सके क्या इंक्रीज, वी विल गेट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमें बेटा ग्राफ इस तरीके का मिलता है। अगर चार पॉइंट्स बेटा इस तरीके से हमें मिलेंगे, इन चार पॉइंट्स को अगर हम ड्राइंग कर देंगे, वी विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। लेकिन जब कंसंट्रेशन का बेटा वेरी स्मॉल वैल्यू होगा, यानी टुवर्ड जीरो जब कंसंट्रेशन आ जाएगी, लैम्डा एम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, लैम्डा एम को हम बेटा कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली बेटा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया ना, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो हमने मोलर कंडक्टेंस को किसके अगेंस्ट प्लॉट किया, अगेंस्ट कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, तो वी विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, ये चार पॉइंट ज्वाइन किए बेटा, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब कंसंट्रेशन का बेटा वेरी स्मॉल वैल्यू हो गया, यानी व्हेन द कंसंट्रेशन टर्न्स टुवर्ड्स जीरो, वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हमारे पास ऐसी नहीं है जो हमें ये वाला वैल्यू देगा। तो हम क्या बोल देते, हम बोल देते एक चीज, हम बोलते हैं ना कि इसके बाद ये लाइन क्या है, स्ट्रेट, इससे पहले क्या थी, स्ट्रेट, तो वी विल डू एक्स्ट्रापोलेशन, हम एक्स्ट्रापोलेशन कर देते हैं, ये वाला वैल्यू जो आ जाएगा जब कंसंट्रेशन का जीरो वैल्यू होगा, यानी कंसंट्रेशन टुवर्ड्स जीरो मींस इनफिनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में बोला था कि इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ कंसंट्रेशन टर्न्स टुवर्ड्स जीरो, वॉल्यूम टर्न्स टुवर्ड्स इनफिनाइट, दैट मींस इनफिनाइट डाइल्यूशन। ये वाला वैल्यू जो होगा, जब कंसंट्रेशन का जीरो वैल्यू आ जाएगा, उस वक्त जो मोलर कंडक्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा एम इनफिनिटी, यानी दिस इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा एम इनफिनिटी। तो अगर आप देख लोगे, आपने लैम्डा एम इनफिनिटी बेटा कैलकुलेट किया, यानी जब कंसंट्रेशन का जीरो वैल्यू था, आपने लैम्डा एम इनफिनिटी कैलकुलेट किया उस वक्त बाय यूजिंग एक्स्ट्रापोलेशन, यू कॉल दिस टेक्निक एज एक्स्ट्रापोलेशन। तो एक्स्ट्रापोलेशन से आपने बेटा कैलकुलेट किया, तो लैम्डा एम इनफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्स्ट्रापोलेटेड, वहां पर लिख लेना बेटा नोट करके, लैम्डा एम इनफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्स्ट्रापोलेशन, लैम्डा एम इनफिनिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एक्स्ट्रापोलेशन, यू कॉल दिस टेक्निक एज एक्स्ट्रापोलेशन। ये वाली इक्वेशन जो हो गया, अगर यूसी ग्राफ है, इट फॉलो द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा एम इनफिनिटी एंड स्लोप इज नेगेटिव।
अगर आप देखोगे इट फॉलोज द इक्वेशन लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी, यानी लैम्डा एम इज इक्वल टू, अगर आप देख लोगे इसको लैम्डा एम को आप मान के चलोगे वाई, अंडर रूट ऑफ सी को मान के चलोगे एक्स, फिर माइनस ए क्या आ जाएगा स्लोप और ये क्या आ जाएगा इंटरसेप्ट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इट फॉलोज द ग्राफ लाइक दिस, यानी ये वाली इक्वेशन जो ये वाला ग्राफ जो है ना ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी, एंड यू कॉल दिस इक्वेशन एज डिबाई-हकल ओनसगर इक्वेशन, डिबाई-हकल ओनसगर इक्वेशन। यानी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस डिबाई-हकल ओनसगर इक्वेशन इज वैलिड, क्योंकि आपको ग्राफ मिलेगा बेटा वही वाला ग्राफ दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ, और ए हमारे पास क्या है ए इज ए स्लोप, और इस इक्वेशन का स्लोप क्या है पॉजिटिव स्लोप की नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इसीलिए बेटा यहां पर मैंने माइनस ए लिख दिया, यानी इस इक्वेशन का बेटा नेगेटिव स्लोप हमारे पास है। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस लैम्डा एम इंफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली बाय एक्सट्रापोलेशन, और अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइटिस की बात कर लेते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइटिस तला मानगो, वीक इलेक्ट्रोलाइटिस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिस में क्या होता है, जब आप डाइल्यूशन करते हो नंबर ऑफ आयन चेंजेस विद डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयन चेंजेस विद डाइल्यूशन, क्योंकि इनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो जाती है, जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं ना अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई सी, जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस कंसंट्रेशन विल डिक्रीज और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा विल इंक्रीज, इन केस ऑफ व्हिच इलेक्ट्रोलाइटिस वीक इलेक्ट्रोलाइटिस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिस में अगर मैं यहां से मोलर का इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट कर लेता हूं और यहां से बेटा अंडर रूट ऑफ सी प्लॉट कर लेता हूं अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन एंड यू विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस, आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा अगर ये चार पॉइंट्स आपके पास है एक्सपेरिमेंटली बेटा, आपको यही चार पॉइंट्स अगर आपको मिलेंगे जस्ट लाइक ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर आप देखोगे इस वाले केस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस नोट करके लिख लेना बेटा, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस हर किसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज हो जाता है, एट ईच पॉइंट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस, the slope of the curve changes, therefore extrapolation is not possible, therefore extrapolation is not possible, therefore extrapolation is not possible। तो weak electrolytes में बेटा extrapolation हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक्स्ट्रापोलेशन बेटा हम वहां पर कर सकते हैं जहां पर स्लोप कांस्टेंट होता है, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहां पर बेटा हम एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते, यूनलेस एक्स्ट्रापोलेशन यहां को करे था, देयरफॉर लैम्डा एम इनफिनिटी कैनॉट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, कैनॉट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, लैम्डा एम इनफिनिटी बेटा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ग्राफिकली, इन केस ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइटिस, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस में हम बेटा कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स्ट्रापोलेशन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइटिस में हर किसी पॉइंट पे बेटा अगर आप देखोगे ना स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से लैम्डा एम इनफिनिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब एक प्रॉब्लम है बेटा, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस यू कैन कैलकुलेट लैम्डा एम इनफिनिटी, एंड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस यू कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम इनफिनिटी ग्राफिकली। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा एम इन्फिनिटी कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ आया था बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कोलराचेस लॉ, कोलराचेस लॉ, ठीक है, कोलराचेस लॉ क्या कहता है ध्यान दे, एट इन्फिनाइट डायमेंशन
स्टेटमेंट पहले लिखूंगा मैं, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स। एट इंफिनाइट डाइल्यूशन, अगर हम इंफिनाइट डाइल्यूशन की बात कर देंगे, जो मोलर कंडक्टेंस एक इलेक्ट्रोलाइट का होगा, दैट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स। ठीक है, बोलिए तुमने लिख लेना बेटा इस स्टेटमेंट को पहले। इन्फिनाइट डाइल्यूशन यूज है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ बेटा कंसेंट्रेशन टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, यू कॉल दिस एज इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और वॉल्यूम टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनाइट, एंड आयन आयन इंट्रैक्शन इज इक्वल टू जीरो, आयन आयन इंट्रैक्शन इज इक्वल टू जीरो, इसको हम बोलते हैं बेटा इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी कंसेंट्रेशन टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, वॉल्यूम टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनाइट, एंड आयन आयन इंट्रैक्शन इज इक्वल टू जीरो, यू कॉल दिस एज इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब कोलराजस लॉ क्या कहता है, जो मोलर एट इंफिनाइट डाइल्यूशन, जब हम इंफिनाइट डाइल्यूशन की बात कर देते हैं, जो मोलर कंडक्टेंस होगा ना एक इलेक्ट्रोलाइट का, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ध्यान दें, अगर हम देख लेंगे लैम्डा एम इन्फिनिटी, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ केसीएल, केसीएल का वो किसके बराबर होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, पोटेशियम के पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव, यू कैन राइट इट इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ के पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव। इसी तरीके से लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सी ए सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू तरामंगुर, वो किसके बराबर होगा, इसमें बेटा होगा कैल्शियम टू पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव कितनी बार होगा, ट्वाइस सीएल नेगेटिव, दैट इज लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ कैल्शियम टू पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव, लेकिन सीएल नेगेटिव कितनी बार है बेटा, ट्वाइस। इसी तरीके से लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ के टू एसओ फोर, यू कैन राइट इट इज इक्वल टू पोटेशियम कितनी बार है, ट्वाइस, दैट इज लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ के पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एसओ फोर टू नेगेटिव, मगर पोटेशियम कितनी बार है, ट्वाइस। इसी तरीके से लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ ए एल टू एसओ फोर थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, यू कैन राइट इट इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ ए एल थ्री पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एसओ फोर टू नेगेटिव, मगर एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव कितनी बार है, ट्वाइस एल्यूमिनियम, और SO4 कितनी बार है, थ्राइस। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना होगा मोलर कंडक्टेंस, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ध्यान दें, अगर मैं यहां पर बोल दूंगा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनएसीएल माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ केसीएल, तो आप क्या बोल दोगे, तला वर्ग इनका अगर आप देखोगे माइनस किसके बराबर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, तो
तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनी शेल किसके बराबर होगा, इट विल बिकम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनी पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ के पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव, यही होगा ना, इट विल बिकम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनी पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ के पॉजिटिव माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव। लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव विल गेट कैंसल आउट, वो किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनी पॉजिटिव माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ के पॉजिटिव। तो इन दो इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर आपको मोलर कंडक्टेंस का डिफरेंस देखना है, आप बेसिकली किन दो आयन्स का देख रहे हो, एनए पॉजिटिव माइनस के पॉजिटिव का देख रहे हो। तो कोलराजेस लॉ आपको यही बोल रहा है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करोगे मोलर कंडक्टेंस, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब नेक्स्ट जो है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कोलराजेस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराजेस